वंदे मातरम। तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जो जुड़ रहे हैं उनको भी वेरी वार्म वेलकम। तो अगर 15-20 के दिन व्लॉग नहीं किया तो क्या किया, और चाबी में भूल गया, वापस मिलते हैं इसी तरह से। तो चाबी आ गया, चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, देखो रास्ता किस तरफ ले जाता है। तो लोकेशन देख के तो समझ ही गए होंगे कि अभी हम हैं हावड़ा पे, और हावड़ा स्टेशन की जो खासियत है, खचाखच भरा रहने वाला जगह ड्यू टू पैंडमिक पूरा खाली। और हावड़ा आने का एक वजह और था कि जा रहे अपने बंधु के यहाँ, और उससे लेना है हमें लाइन केबल, क्योंकि कल से है जो बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो चलते हैं उसके घर। लोकेशन अच्छा है, और रिकॉर्ड करने में क्या जाता है, इसलिए रिकॉर्ड किया, डाल दिया, आगे बढ़ते हैं। तो पहुंच गए अपने बंधु के घर। तो मेरे बंधु के यहाँ आने का मेन रीज़न था ये कॉकटेल, देख रहे हैं। तो अभी इसके साथ मस्ती करते हैं थोड़ा देर, फिर उसके बाद और दिखाता हूँ। तो जो वायर लेना था वो ले लिए अपने फ्रेंड से, और काम कर पुरा करके घर आ गए। घर आने के बाद में कुछ बातें थी, सुनना चाहेंगे? सुन। तो ये पार्ट में डालूं नहीं डालूं काफ़ी दिन से सोच रहा था, और बट डालने का मन हो गया इसलिए डाल दे रहा हूँ। अभी क्या है, जितने भी जन आप लोग देख रहे हैं उसमें से कुछ जो हैं वो श्योरली मेरे को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं मुझे पता नहीं, बट मैक्सिमम इसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और कुछ हैं जो बाहर के हैं। मैं सभी को फैमिली ही समझता हूँ, बट आप लोग में से कई सारे लोग जो हैं अदर यूट्यूबर्स या और किसी को भी फॉलो करते होंगे, सोशल मीडिया में इसको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। जो लोग जिसको भी फॉलो करते हो बढ़िया बात है, उनकी लाइफस्टाइल देखो, क्या कर रहे हैं वो ये देखो, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस। मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिख करके रखा है, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बोलने का मतलब मेरा ये है कि अननेसेसरी चीज़ों के पीछे आप लोग मत भागिएगा। सुनने में ज्ञान जैसा लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कई सारे यूट्यूब वाले, कुछ इंस्टाग्राम वाले, सब अननेसेसरी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी कुछ भी बेच रहा है, एक्चुअली सारे जितने भी हैं सबके सब मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग करना अच्छी बात है, ये उनके सोर्स ऑफ इनकम का यही एक ज़रिया है, या बोल सकते हैं सेकेंडरी इनका है, ये उनके सोर्स का सेकेंडरी ऑप्शन है। अच्छा है मार्केटिंग करना, बट अगर आप उस मार्केटिंग के पीछे जा रहे हैं, सही चीज़ को फॉलो करिए। फॉलो करने का मतलब सही चीज़ आप जज करके ही लीजिएगा, कारण कि कोई भी कुछ भी बेच रहा है, मेरा बोलने का मतलब यही है। और जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अभी आप मार्क किए होंगे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सभी अभी ले रहे हैं साइकिल साइकिल साइकिल, सब कोई एक ही चीज़ के पीछे पड़ा है, दैट इज़ साइकिल। अगर आपको फिटनेस भी करना है तो मोटा मोटी आप ले लीजिए, कोई भी 5-6 हज़ार का साइकिल मिल जाएगा, उसी पर साइकिल चलाइए,
बट जो लोग जो चीज़ दिखा रहे हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आप किसी को भी देख लीजिए, कोई भी 1,00,000 रुपए के नीचे की साइकिल नहीं ले रहा, और इंडिया में आपको लगता है 1,00,000 रुपए की साइकिल लेना इज़ जस्टिफाइड, तो डिसलाइक दबा देंगे। मैं एक्सप्लेन आपको यही करना चाह रहा हूँ कि अभी जो करेंट सिचुएशन है, सबके पास फंड्स एंड का प्रॉब्लम रहता है, बट क्या है, जब आप उनको या किसी एक्स वाई जेड को भी फॉलो करते हो या उनको देखते हो, आपके माइंड में कंटिन्यूस एक ही चीज़ रिपीट होती जाएगी, क्योंकि आप एक को तो फॉलो नहीं कर रहे, खाली एक जगह सब्सक्राइब करके या एक जन को फॉलो नहीं कर रहा, 25 जन को कर रहे हो, तो 25 में से 20 जन तो ऐसे हैं जो परफेक्टली मार्केटिंग ही कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट का कर रहे हैं। मे बी मैं क्लियरली समझा पा रहा हूँ या नहीं, बट आई गेस जो देख रहे हैं उनको एग्जैक्टली समझ में आ जरूर रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल आप अगर इंडिया में बोल रहे हैं, एक एवरेज पकड़ लो, एक नॉर्मल जो कोई भी देख रहा है, यूट्यूब में देख रहा है या इंस्टाग्राम में देख रहा है, एवरेज मिनिमम 20,000 रुपये सैलरी होगी और उसमें से 10-12,000 रुपये आप घर में दे देते होगे या घर के एक्सपेंसेस है, उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स होगी, 2,000-5,000 वट एवर, उस सेविंग्स को सही जगह यूज़ करो, ना कि 1,00,000-2,00,000 की बाइक देख ली, 1,00,000-2,00,000 की साइकिल देख ली कि भैया साइकिल लेनी है, 1,00,000 रुपये की साइकिल ले लोगे, उसके बाद उसकी ईएमआई भरती करते रहोगे, तो सेविंग्स जो है वो गलत जगह चली जाएगी। उससे अच्छा कि आप सेविंग सही जगह इन्वेस्ट करिए, कई सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, कोई भी एक SIP कर लो, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, ना कि किसी और को कॉपी करो या सामने वाले से इन्फ्लुएंस होकर के आप कोई खर्चे की स्कीम पाल लो। मेरे लिखने का यही मतलब था, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड फॉर अननेसेसरी थिंग्स। बाकी आप समझदार हो, यू कैन जज योर सेल्फ बेटर रादर देन मी, तो अच्छी चीज़ों के ही पीछे भागिए, ना कि गेट इन्फ्लुएंस्ड। बाकी अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या हावड़ा ब्रिज का सीन अच्छा लगा तो इसको लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।